देखो बेटा, कल हमने चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 1-4 की स्टडी की थी, ठीक है। आज हमारा चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या कह रहा है वो, रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉमाज अकॉर्डिंग टू दी, रीराइट दी फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉमाज अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड हेंस राइट देम इन वर्ड्स। ये नंबर है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा पुट करना है। क्या पुट करना है? कॉमा। तो कॉमा पुट करेंगे तो नंबर को लिख लेंगे, पहले नंबर लिख लिया। नंबर लिखने के बाद लास्ट से 1, 2, 3, 1, 2 इंडियन सिस्टम में जो हम कॉमा पुट करते हैं 3, 2, 2, ठीक है। अब देखो बेटा, इंडियन सिस्टम में मैंने आपको जो पीरियड बताए थे वो थे आपके 4 पीरियड। कितने पीरियड बताए थे? 4। कौन कौन से? 1, 1000, 1,00,000 और 1,00,000। 1, 1000, 1,00,000 and 1,00,000। तो देखो, हमने जो कॉमा पुट किया है 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, यानी कि ये वंस में हो गया, ये हमारा थाउजेंड में हो गया, ये हमारा लैख में हो गया, ठीक है। लैख। अब कंप्लीट नंबर कितना है हमारा? 42,35,070। My next example is 1, 2, 3 पीछे से 3 digit 1, 2, 3 फिर 2 कॉमा लगा लिया। वंस थाउजेंड लैक तो 66,78,907। इसके आगे मैं नेक्स्ट एग्जांपल इज 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 कॉमा लगा लिया हमने, तो कौन से हमारे कितने पे लगा? देखो, वंस थाउजेंड लाख और करोड़। अब करोड़ के नीचे हमें क्या लिखा है? 8। क्या मिला है? 8। तो देखो, 8 करोड़ 20 लाख। अब देखो, थाउजेंड में क्या है हमारी? 0। थाउजेंड में क्या है? 0। तो 1000 को काउंट नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे? 600
28। इसके आगे देखो जैसे कि आपके पास है 7111 6781। इसमें हम कॉमा लगाएंगे तो देखो 1 2 3 1 2 1 2 कॉमा लगा लिया तो ये थ्री डिजिट जो है वो हमारी किस में है वंस में, ये टू डिजिट जो है वो किस में है थाउजेंड में, ये टू डिजिट लैक में और ये टू करोड़ में, यानी कि 4+4 पीरियड बताए थे तो ये कितना हो गया 71 करोड़ 11 लाख 16,700 81। इसके आगे मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन दी इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब जो हमें नंबर दे रखे हैं उसे हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लगाना है, तो देखो कैसे लगाएंगे, हमारे पास दे रखा है नंबर, बी में है 95 13 56 93 56 499, सी में है 48 0 0 9, डी में है 72 300 53 300। ये हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, अब इन नंबर्स को हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लगाना है तो देखो कैसे लगाएंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो देखो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए मैंने आपको जो पीरियड बताए थे कौन कौन से बताए थे, वंस, थाउजेंड, लेख और करोड़, यही बताए थे, वंस, थाउजेंड, लेख एंड करोड़, ठीक है। टेबल बनानी है इनकी, तो देखो वंस में हमारे कितने होते हैं, वंस होता है, टेंस होता है और हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड में थाउजेंड और 10,000, थाउजेंड एंड 10,000, लेख में लेख और 10 लेख, करोड़ में करोड़ और 10 करोड़। इस तरीके से हम इनकी टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद देखो पीरियड बता दिए कितने होते हैं 4, कौन कौन से, वंस, थाउजेंड, लेख, करोड़, और प्लेस कितने होते हैं 9, कौन कौन से, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लेख, 10 लेख, करोड़, 10 करोड़। अब देखो ए बी सी डी ई और एफ, अब इन सारे नंबर्स को हम एक ही टेबल में लिखेंगे,
तो देखो ये जो नंबर है इस नंबर को, फर्स्ट वाला जो नंबर है इसको बैक साइड से 0 2 0 सॉरी 0 2 9 8 7 6 1 3 इस तरीके से इसको किसमें लगाना है, टेबल में। इसको लगाएंगे 9 9 4 6 5 3 1 5 9। थर्ड वाले को लगाएंगे 9 0 0 1 5 7 3 1 4। डी को लगाएंगे 9 8 1 5 0 0 3 2 7 9 8 0 7 6 5 2 1 6 9 8 7 0 5 7 0 0 2। इस तरीके से हमने हमारे पास जो नंबर्स थे A to F उनको हमने किस में लगाया, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में।